डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी एक टफ टिश्यू से कवर होता है, जिसका नाम रीनल कैप्सूल है, उसको कहते हैं रीनल कैप्सूल। किडनी की कंकेव साइड के ऊपर एक डिप्रेशन होता है, जिसका नाम हाइलस है। ये वो पॉइंट है यहां से रीनल आर्टरी, जो है वो और रीनल वेन, रीनल आर्टरी किडनी के अंदर एंटर होती है और रीनल वेन यानी यूरेटर, जो है ये किडनी को लीव करते हैं। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो किडनी डिवाइडेड होती है टू रीजन में, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडोला में, और इसमें कौन शेप एरियाज होते हैं रीनल मेडोला के अंदर जिन्हें रीनल पैरामिड्स कहते हैं, वो हर पैरामिड्स की बेस के ऊपर रीनल कॉर्टेक्स जो है वो ज़ाहिर जुड़ता है। सारे सारे कलेक्ट होके ओपन होती हैं रीनल पैल्वस में। किडनी के आउटसाइड तक फैलती हैं और फांजा यूरेटर बनाती हैं। एक बार फिर रिपीट करते हैं, किडनी जिस टिश्यूज के अंदर बंद होती है इसको रीनल कैप्सूल कहते हैं। किडनी के जिससे रीनल आर्टरीज दाखिल होती है और रीनल वेन और यूरेटर निकलते हैं, उस डिप्रेशन का नाम हाइलस है। किडनी के दो बड़े पार्ट होते हैं इंटरनली, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडोला, और रीनल मेडोला के अंदर कौन से स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको रीनल पैरामिड्स कहते हैं, और रीनल पैरामिड जो है वो कॉर्टेक्स की बेस से जुड़ती हैं, और ये वाली सारी रीनल पैरामिड्स जो हैं वो एक बेस बनाती हैं जिसको रीनल पैल्वस कहते हैं, और ये पैल्वस आगे जाके यूरेटर में ओपन होती है। अल्लाह हाफिज़।